तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि सीबीटी एग्जाम को लेके बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चंस जो बच्चों के द्वारा पूछा गया है मुझसे कि सर सीबीटी एग्ज़ाम में ये होगा, ये होगा, क्या होगा, तो वो सारे टॉपिक के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले और सबसे जो मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न है वो ये है कि क्वेश्चन पेपर जो होंगे वो हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा या फिर किस लैंग्वेज में होगा, ठीक है। तो इसका मैं सबसे पहला पॉइंट हम इसी को रखे हैं, ठीक है, और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भी बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज हैं हिंदी इंग्लिश को लेके, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्वेश्चन पेपर आपका बोथ लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, ठीक है, और इंग्लिश में भी रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। उसके अलावा यदि आपका रीजनल लैंग्वेज है बंगाली है, यदि बंगाली हैं आप, उड़ीसा के हैं, उड़िया हैं, मराठी हैं, तो ये सारे लैंग्वेज में भी पेपर अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। इंग्लिश के साथ आपका बंगाली रहेगा, इंग्लिश के साथ आपका मराठी रहेगा, ठीक है, वो आपको ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सिलेक्ट करते हैं, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज में पेपर रहेगा, ठीक है। अब दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे पूछते हैं कि सर कितने आपके इस बार जो सीबीटी होगा वो कितने आवर का सीबीटी होगा, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैं ये भी चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए आपका टोटल जो क्वेश्चन होगा वो 100 क्वेश्चन होंगे सीबीटी में इस बार, पहले बार 80 क्वेश्चन होता था लेकिन इस बार 20 क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है। पहले आपका 3 घंटे का होता था, इस बार आपका 4 घंटे का होगा, ठीक है। अब पहले जो पेपर होते थे वो 3 घंटा एक ही साथ हो जाता था, एक ही दिन में हो जाता था, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 3 घंटा एक ही दिन में होता था, लेकिन इस बार क्या है कि आपका जो होगा 2 दिन सीबीटी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 2 दिन आपका यहाँ पे 2 डेज सीबीटी चलेगा। पहला दिन जो होगा आपका हो सकता है ट्रेड थ्योरी हो जाए, ठीक है, 2 घंटे का, और दूसरे दिन हो सकता है कि आपका इम्प्लॉयबिलिटी स्किल ES और WCS हो, ठीक है, 2 आवर्स, और कब कब होगा उसका डेट जो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन रहेगा, ठीक है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों के मन में है कि नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं रहता है, ठीक है। आपको 100 में से 100 क्वेश्चन बना के ही आना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर यदि आप क्वेश्चन छोड़ते हैं तो बेवकूफ़ी ही कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप 100 में 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट हमारा। और देखिए चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आप कितने क्वेश्चन बनाने पे आप पास हो जाएंगे, ठीक है, कितना क्वेश्चन आपको बनाना होगा जिससे कि आप पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट का मैंने यहाँ पे मार्कशीट लाया हुआ हूँ, ठीक है, जो कि आपका पिछले साल जिनका एग्ज़ाम हुआ था उनका यहाँ पे मार्कशीट है, इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए मिनिमम जो पासिंग मार्क्स होता है, जो पेपर 100 नंबर का है उसमें आपको 33 नंबर जो है लाना होता है पास करने के लिए, ठीक है, और जो 50 मार्क्स का है उसमें आपको कितना लाना होता है, 17 नंबर लाना होता है पास करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा जो आपका 100 नंबर का है, तो 100 नंबर का कौन सा है आपका ट्रेड थ्योरी जो है TT जो है, इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, यानी 100 नंबर का हो गया, इसमें आपको 33 नंबर लाना होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे WCS की बात करें तो इसमें आपका 25 होगा, तो इसको 2 से गुना कीजिएगा तो ये 50 नंबर का आपका होता है, तो इसमें कितना लाना होगा आपको, 17 नंबर लाना होगा पास करने के लिए। उसी तरह आपका ES भी 25 क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, 50 होगा, इसमें 17 नंबर आपको लाना होगा पास करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जानेंगे ही नहीं कितना नंबर आपको लाना है, कितना क्वेश्चन सही करना है, तो फिर आप एग्ज़ाम देने चले जाइएगा तो आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप लोग जान लीजिए। तो ये तो हो गया हमारा चौथा पॉइंट, और इसमें हमने डिस्कस क्या किया कि 100 में कितना आपको मिनिमम लाना है, 50 वाले में कितना लाना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कितना सही करना है, ठीक है। तो देखिए आपका 50 क्वेश्चन रहेगा किसमें, ट्रेड थ्योरी में। अब इस 50 में से कितना क्वेश्चन यदि आप सही करते हैं तो आप पास हो जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 50 में से यदि आप 17 क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक है, 50 में से कितना सही करना है आपको, 17 क्वेश्चन सही करना है, ठीक है। जो ट्रेड थ्योरी वाले पेपर हैं उसमें 17 क्वेश्चन आप सही कीजिए, और जो आपका इम्प्लॉयबिलिटी स्किल है ES है, WCS है, इसमें आपको कितना सही करना है, तो ये आपका 25 का पेपर होगा, 25 नंबर का पेपर, 25 क्वेश्चन इसमें रहेगा, तो 25 में से आप 9 क्वेश्चन जो है सही कीजिए, ठीक है। 25 में से कितना करना है आपको, 9 क्वेश्चन सही करना है, और WCS में भी 9 क्वेश्चन और ES में भी 9 क्वेश्चन सही करना है, ठीक है। अब यदि हम लोग बात करें टोटल 100 में कितना सही करना है, तो देखिए 100 में कितना सही करना है, यहाँ पे जोड़ना होगा आपको, पहला ट्रेड थ्योरी में 17, फिर ES में 9 और WCS में 9 करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे टोटल मिला के कितना हो गया, 9 दुनिया 18 और 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 35 हो जाएगा। यानी टोटल आपको 35 क्वेश्चन सही करना है 100 में से, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे ये नोटिस कीजिएगा कि ऐसा नहीं कि आप 100 में से 35 सही करेंगे तो आपका यहाँ पे तीनों पेपर में आप पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सारे पेपर का अलग अलग नंबर जुटता है, इसलिए आपको सारे पेपर में पास होना पड़ेगा। मतलब कि ट्रेड थ्योरी में आपको 17 क्वेश्चन सही करना ही होगा, ईएस में पास होना चाहते हैं तो 9 क्वेश्चन सही करना होगा, और WCS में पास होना चाहते हैं तो 9 क्वेश्चन सही करना होगा। ये नहीं कि हमने WCS में जो है 20 क्वेश्चन सही कर दिया और ES में हमने 4 क्वेश्चन ही सही किया तो दोनों का जोड़ के इसमें पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दोनों का अलग अलग मार्क्स यहाँ पे देख सकते हैं, आपका मार्कशीट में अलग अलग है रिजल्ट में। 100 आपका ट्रेड थ्योरी का है, इसका अलग है। यहाँ पे ES का जो है पेपर एक साथ जरूर होता है लेकिन इसका रिजल्ट अलग बनता है, ठीक है। उसी तरह WCS का यहाँ पे रिजल्ट अलग बन रहा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का रिजल्ट अलग बन रहा है, ट्रेड प्रैक्टिकल का अलग है, फॉर्मेटिव असेसमेंट ये अलग है, ठीक है। तो सारे पेपर का रिजल्ट जो वो अलग अलग बनता है, लेकिन एग्ज़ाम जो होता है WCS प्लस ES का आपका, ये दोनों पेपर एक ही साथ होता है। तो बच्चे के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि दोनों को जोड़ के हम 18 ले आएंगे तो क्या पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको दोनों पेपर में एक मिनिमम 9-9 क्वेश्चन सही करना होगा दोनों में, ठीक है। तो आई होप आज के वीडियो में आपको कुछ हेल्प मिला होगा। इसके अलावा भी यदि कुछ आपको रह जाता है, कन्फ्यूज़न होता है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो निगेटिव मार्किंग से रिलेटेड था। निगेटिव मार्किंग नहीं है, दो लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, हिंदी रहेगा और एक इंग्लिश रहेगा, और आपका जो यदि लोकल लैंग्वेज है तो हिंदी के जगह पर लोकल लैंग्वेज आपके पेपर में मिलेगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया कितने क्वेश्चन रहेंगे और कितना क्वेश्चन आपको सही करना होगा, ठीक है। सेकेंड ईयर में आपका इम्प्लॉयबिलिटी स्किल इस बार आ रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में इम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी आएगा, इसलिए उसकी भी तैयारी आपको करना है, ठीक है। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।